प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें कच्चा तेवू द्वीप श्रीलंका की दिते जाने लई कांग्रेस की कीती निंदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें साबका उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी होरें गी भारत रत्न किया प्रदान। उधमपुर लोकसभा सीट ले कल खत्म हुई नाम वापस लेने की खीरी तरीक, कुल 12 उम्मीदवार रह गए चुनाव मैदान। ते आज पूरी दुनिया च श्रद्धा ते खुशी कन्ने मनाया जा करदा है ईस्टर दा त्यौहार। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ते लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें दित्ती मुबारकबाद। नमस्कार, डोगरी खबरें दे बुलेटिन च तुंदा स्वागत है ते हुण पेश ने खबरां विस्तार कन्ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें कांग्रेस आसिया 1974 च कच्चा तेवू द्वीप श्रीलंका गी दित्ते जाने की सख्त निंदा की है। उन्हें आखिया जी पिछले 75 वर्षों दौरान भारत की एकता अखंडता ते हितें गी नुकसान पहुंचाना गै कांग्रेस का काम रहा है। उनकी यह प्रतिक्रिया तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई हुंदे आसिया आरटीआई राय हासिल किए गए दस्तावेजों की सोशल मीडिया पर उजागर करने पर आई है। श्री मोदी होरें आखिया जे यह बड़ी हैरान करने वाली सूचना है जे किस तरीके कांग्रेस ने कच्चा तेवू द्वीप श्रीलंका की सौंपी दिता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें अज साबका उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी होरें गी राष्ट्र के सभने शा उच्चे नागरिक सम्मान भारत रत्न कन्ने अलंकृत किया। राष्ट्रपति होरें श्री अडवाणी हुंदे घर नवी दिल्ली च जाइए यह सम्मान प्रदान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साबका उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ते श्री अडवाणी हुंदे परिवार के सदस्य इस मौके पर मौजूद है। राष्ट्रपति होरें अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट च आख्या जे भारत की राजनीति के दिग्गज नेता लाल कृष्ण अडवाणी होरें 70 बरे कोला भी मते समय तकर लगातार समर्पण की भावना ते शानदार ढंगे कन्ने देश की सेवा की। श्री अडवाणी हुंदा जन्म 1927 च कराची च हुआ ते 1947 च देश की बंड होने पर वह भारत च आए गए। श्री अडवाणी होरें एक सांसद के तौर पर सदा वार्ता राय मसले हल करने च विश्वास रखिए संसदीय परंपराएं गी समृद्ध किया। उधमपुर संसदीय क्षेत्र च उम्मीदवारी परताने की खीरी तरीक तकर कुसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लेता ते कुल 12 उम्मीदवार इसलिए मैदान च न। इन्हें उम्मीदवारों च बहुजन समाज पार्टी के अमित कुमार, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम के बलवान सिंह, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह, एकम सनातन भारत दल के मनोज कुमार ते निरपक्ष उम्मीदवार डॉक्टर पंकज शर्मा, राजेश मनचंदा, सचिन गुप्ता, स्वर्णवीर सिंह जराल, गुलाम मोहम्मद जरूरी, मोहम्मद अली गुजर ते महराज दीन शामिल न। इस लोकसभा क्षेत्र च 19 अप्रैल 2024 की वोट पौने तुआई उम्मीदवारों की चुनाव चिन्ह देने की प्रक्रिया की रिटर्निंग अफसरों ने अज पूरा करी लेता है। खर्चे के निगरान समथा मुलामुंडी होरें अज सांबा जिला चुनाव दफ्तर का दौरा किया ते आउंदे लोकसभा चुनाव लई खड़ेरी गई खर्चे पर निगरानी वाली कमेटी के मैंबरें कन्ने एक मीटिंग लाई। जिला चुनाव अधिकारी अभिषेक शर्मा होरें पीपीटी राय जिला प्रशासन आसिया चुनाव संबंधी खर्चे पर तक रखने लई कीते जा रहे जतन की जानकारी दी। मीटिंग मगरा निगरान होरें एमसीएमसी शिकायत प्रबंधन सीगे वीडियो की जांच करने वाली टीम ते सहायक खर्चा निगरानी के कमे काजे का निरीक्षण किया। बसंतगढ़ उधमपुर च अज स्वीप अभियान तहत मतदाताओं की जागरूकता लई एक बड़ा कार्यक्रम करवाया गया। जिला चुनाव अधिकारी सलोनी राय होरें मुकामी सरकारी हाई सैकेंडरी स्कूल च कराए गए कार्यक्रम च हिस्सा लेने ते सबने लोकें गी खास करिए महिलाएं ते पहली बारी वोट पाने वाले गी मती गिनतरी च मतदान करने लई आख्या ते लोकतंत्र गी मजबूत करने च योगदान देने की अपील की। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमें राय आम लोगों की वोट पाने वास्ते जागरूक करने की कोशिश की गई। इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डुड्डू, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मियाड़ी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पनाड़ा ते और ने शिक्षा संस्थान च भी एसडीएम ते तहसीलदारों की अध्यक्षता च स्वीप तहत वोटर जागरूकता कार्यक्रम कराए गए। रामबन च अज लोकसभा चुनाव के सिलसिले च बख बख मतदान केंद्रे लई चुनी गई ईवीएम ते वीवीपैट मशीनें गी बनिहाल स्थित कंट्रोल रूम च भेजी दिता गया। रामबन के जिला चुनाव अफसर वसीर उल हक हुंदे मुजब यह सारी कार्रवाई संबंधित सियासी पार्टियों के नुमाइंदे ते चुनाव अमले की मौजूदगी च की गई। उन्हें दस्या जे यह मशीना सख्त सुरक्षा प्रबंध तहत बनिहाल रवाना की गई। जम्मू लोकसभा
जब फर्स्ट रैंडमाइजेशन होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शन पे होती है इन प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स होती है, उसके बाद उनको जो है असेंबली वाइज सेग्रीगेट किया जाता है। बिल्कुल किए हैं, जो बनिहाल कंस्टिट्यूंसी है उसको कर दिए हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोलिटिकल पार्टीज। हमारी जो कंस्टिट्यूंसी वाइज अलग होती है, तो फिर कंस्टिट्यूंसी वाइज अलग करने के बाद जहां जहां स्ट्रांग रूम है, जैसे बनिहाल में हमारा स्ट्रांग रूम है, यहाँ पे स्ट्रांग रूम है, तो उसमें वो जमा हो जाती है। टू टायर सिक्योरिटी रहती है, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान रहता है। जम्मू लोकसभा सीट ले करवाए जाने वाले चुनाव की तैयारियों के सिलसिले च राजौरी के नौशहरा च स्वीप मुहिम तहत बख बख इलाकें च ते खास तौर पर सरहदी इलाकें च लोकें गी वध कोला वध गिनतरी च अग्गे आइए वोट पाने आस्ते जागरूक करने वाले प्रोग्रामें का आयोजन किया गया। जिला चुनाव अफसर ओम प्रकाश भगत हुंदी निगरानी च गठित एक टीम ने चंगड़ सरिया ते और दुई थारें का दौरा लाइए लोकें का आह्वान किया जो मतदान च शामिल होइए वोट पाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर। उधमपुर के मोड़ सरकारी स्कूल च स्वीप तहत एक जागरूकता प्रोग्राम आयोजित किया गया। जिला चुनाव अफसर डॉक्टर अनिरुद्ध राय उनकी हिदायतें पर लाए गए इस प्रोग्राम दौरान लोगों की मतदान ले उत्साहित करने वाले विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा नुक्कड़ नाटक डोगरी लोक संगीत के प्रोग्राम पेश किए गए। ईस्टर का त्यौहार अज पूरी दुनिया च मनाया जा रहा है। इस दिन की 58 लोग यीशु मसीह हुंदे सलीब पर मृत्यु परंत परतिए जींदे हुए जाने के तौर पर मनाते हैं। भारत च कल राती बख बख गिरजाघरें च अद्धी राती ईस्टर प्रार्थनाएं का आयोजन किया गया। ईस्टर की नवी शुरुआत के तौर पर खुशी के पर्व वांगर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें ईस्टर के मौके पर भारत के विदेशों च रौने वाले लोगों ते खास करिए ईसाई तबके के लोगों की मुबारक दी है। अपनी बधाई संदेश च उन्हें आख्या जे इह त्यौहार प्रभु यीशु मसीह हुंदे परतिए अवतरित होने की खुशी च मनाया जाता है ते इह आपसी इरक प्रेम ते दया भाव का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होरें भी लोगों के ईस्टर की मुबारकबाद दी है ते उम्मीद की है जे इह त्यौहार हर कुसी के जीवन च रमानदारी ते खुशियां लेई आउग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें भी सबने देशवासियों ते खास तौर पर ईसाई तबके के लोगों की ईस्टर की मुबारकबाद दी है। अपने संदेश च उन्हें आख्या जे प्रभु यीशु मसीह ने सच लई बलिदान किया ते असेंगी आत्म संयम इरक प्रेम दया ते क्षमा की शिक्षा दी। उन्हें आख्या जे उनकी दी गई शिक्षा अज्जे दे दौर च होर मती सार्थक होई गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें भी लोगों की ईस्टर की मुबारक दी है। उन्हें आख्या जे अज इस खुशी के ध्याड़े पर मैं सबने लोगों ते खासकर जम्मू कश्मीर के ईसाई तबके के भैन भ्राएं की मुबारक दिना। उन्हें आख्या जे इह त्यौहार आपसी भाईचारे की मजबूती देग। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति ते भाषा अकैडमी की तरफा इंदिरा गांधी कला केंद्र जम्मू के सहयोग कन्ने लोया गया त्रै रोजा तवी साहित्य लोक उत्सव अज संपन्न हो गया। इस उत्सव दौरान नेकां चाली दी साहित्यक ते सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। अज लोए गए इजलास च डोगरी के लखारी ते शोधकर्ता स्क्वाडन लीडर अनिल सैगल और मुख्य वक्ता है। इस त्रै रोजा उत्सव च बड़ी मती गिनतरी च साहित्यकार ते कला प्रेमी शामिल होए। सैगल साहब के बारे में आपने बात की है, बच्चे को पसंद आई और नथिंग विदाउट मी देयर इज अ सेंस ऑफ वार्मथ इन दिस व्हाट आई सॉ हियर टफ टाइम्स। कल्चर को लेकर, जम्मू साहित्य को लेकर, जम्मू की एथोस को लेकर, जम्मू की गलियों को लेकर और जम्मू के माहौल को लेकर, तवी को लेकर, इन सब को लेकर मैं एक कहानियां बुन के अपने पाठकों तक पहुंचाता हूं और उनको बताता हूं कि हमारा कल्चर कितना रिच है, कितनी अद्भुत संस्कृति है जम्मू की, कितने खूबसूरत लोग हैं डोगरे और ये खूबसूरती हमें बनाए रखना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये खत्म ना हो जाए कहीं, ये हमारी धरोहर है। युवा हिंदी लेखक संघ जम्मू की तरफा एक साहित्यिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इदे उद्घाटन सत्र च चांद दीपिका हुंदी तरफा लिखे गए उपन्यास पूनम की रात का विमोचन किया गया। इस प्रोग्राम की प्रधानता पंजाबी के प्रसिद्ध लिखारी डॉक्टर बलजीत रैना होरें कीती। प्रोग्राम के दुए सत्र च कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिदे च डॉक्टर पुरशोत्तम कुमार ते निर्मल विनोद हुंदी अध्यक्षता च नेकां कवियां अपनियां रचना पेश कीतियां ते इदे थमां पहले युवा हिंदी लेखक संघ जम्मू कश्मीर के कन्वीनर प्रोफेसर अशोक कुमार होरें परौणे का स्वागत किया। आज का कार्यक्रम पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हिंदी की वरिष्ठ लेखिका चांद दीपिका का
जो उपन्यास है उसका विमोचन हो रहा है। वह हिंदी लेखक संघ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक तो जम्मू में लेख में उपन्यास लेखन बहुत कम हो रहा है, लेकिन चांदी पी के ने लिखा और ये मौका संस्था को दिया है। उधमपुर स्थित जंगली जनौरे संबंधी महकमे की तरफा आज जिले की पखलाई थारा पर गंभीर तौर पर जख्मी सांबर हिरण की सुरक्षित बचाई लिया गया। मकामी लोगों आसिया इस जख्मी हिरण के बारे में सूचना देने परंत महकमे की तरफा फौरी तौर पर एक बचाव टीम रवाना की गई। इस टीम ने सांबर हिरण की इतवा सुरक्षित कड़ी है जम्मू के मांडा चिड़ियाघर पजाई दिता है। माल डंगरों के डॉक्टरों की तरफा उसका इलाज किया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ हमारी टीम अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे जाती है, तो वहाँ से हमने इसको सांबर डियर को रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू करके हमने अपने टंडी डियर रेस्क्यू सेंटर में लाया है। तो अभी हम इसको फर्स्ट एड देंगे जहाँ पे, तो फर्स्ट एड देके हम जम्मू में शिफ्ट करेंगे इसको। दूरदर्शन केंद्र जम्मू आसिया स्ट्रिंगर्स का पैनल बनाने लिए दरख्वास्तां मंगिया गई हैं। इदे च जम्मू जिले लिए पंज ते कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ जिले लिए दो दो असामियों वास्ते दरख्वास्तां मंगिया गई हैं। इदे लिए नियम शर्तां ते होर दूई तफसील वैबसाइट www.ddindia.gov.in या फिर डीडी न्यूज जम्मू ट्विटर हैंडल थमां हासिल की जा सकती है। योग्य ते तजर्बेकार उम्मीदवार इन असामी लिए दरख्वास्तां समाचार प्रमुख दूरदर्शन केंद्र जम्मू टाली मोड़ दे लागे जानीपुर जम्मू च एक सीलबंद लफाफे च जमा करवाई सकदे न। इस दरख्वास्त कन्ने 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जेड़ा दूरदर्शन केंद्र जम्मू के ड्राइंग ते डिसबर्सिंग अधिकारी के नां होग भी जमा करवाना लाजमी होग। ये दरख्वास्तां जमा करवाने की खीरी तरीक 6 अप्रैल 2024 है। जम्मू कश्मीर जरनैली सड़क के मनियाल कोल किश्तवाड़ी पत्थर थार पर भारी पस्सियां पौने ते फिर मेहाड़ रामबन थार पत्थर ते गारा पौने करी बंद होई जाने मगरा सैकड़ा यात्री रस्ते च फसी गए हैं। SSP ट्रैफिक रोहित बसोत्रा और दसिया जे 1,000 शा बद ट्रक ते 500 वालियां गड्डियां बने हाल ते नाशरी बशकार फसी गए हैं। ठीक है सर। पे कच्चे माल वाली गाड़ी, फ्रेश वाली गाड़ियां, जो जैसे बकरे वाली गाड़ियां हैं, मुर्गे वाली गाड़ियां हैं, बहुत रास्ते में फंसी हुई हैं और उसके साथ साथ पैसेंजर भी बहुत फंसे हुए हैं, एम्बुलेंसें फंसी हुई हैं। मौसम विभाग की सूचना मुजब जम्मू च पिछले 24 घंटे दौरान वद्दो वद्द तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस जेले की कल राती दा घट्टो घट तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तुस खबरें दा बुलेटिन साढ़े यूट्यूब चैनल www.youtube.com/DDNewsJammu पर भी दिखी सकते हो। इदे इलावा हुन तुस साढ़ा ये चैनल यूट्यूब दे QR कोड की स्कैन करिए भी दिखी सकते हो। डोगरी खबरें च बस इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।